हाय दोस्तों, एकेबी टेक्निकल में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आज का जो वीडियो है दोस्तों, वो वॉशिंग मशीन के ऊपर में है। मैं आज आपको एक फॉल्ट बताना चाहता हूँ और ये पूछना चाहता हूँ कि आप लोग क्या इस फॉल्ट के बारे में जानते हैं। तो उस फॉल्ट को मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो वो फॉल्ट क्या है दोस्तों, वो पहले हम लोग देखते हैं। देखिए, ये हमारा एलजी का वॉशिंग मशीन है दोस्तों। इसे मैं कम से कम 10 साल से यूज कर रहा हूँ और जो भी फॉल्ट होता है वो हम आपके साथ इसका जो फॉल्ट होता है वो शेयर करते ही हैं, क्योंकि मेरे चैनल पे देखिएगा तो इसका बहुत सारा वीडियो मैंने इस बनाया है आप लोगों के लिए। तो देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे वीडियो मैं देखा यूट्यूब पे, तो उसमें थोड़ा सा गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं भाई लोग, तो इसी पे मैं सोचा कि चलिए एक वीडियो बना दिया जाए। तो यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारा स्पिनर है। तो स्पिनर देखिए अभी एकदम खाली है, ठीक है। और जब हम इसे ऑन करेंगे दोस्तों, देखिए हम यहाँ ऑन कर रहे हैं, तो देखिए ये कितना सही घूम रहा है, ठीक है, एकदम कहीं कुछ आवाज़ भी नहीं है और इधर टकरा भी नहीं रहा, ठीक है, एकदम प्लेन घूम रहा। और जब हम इसमें कपड़ा डालते हैं दोस्तों, देखिए अभी हम कपड़ा डालेंगे तो देखिएगा, जैसे यहाँ से हम एक कपड़े को लिया और देखिए इसे हम यहाँ पे इस तरह से डाल रहे हैं दोस्तों। देखिए देखिए साइड में मैंने डाला है यहाँ पे, ठीक है, उस साइड खाली है, देखिए वहाँ पे उस साइड खाली है लेकिन इस साइड में कपड़ा है। अब हम इसे चालू करते हैं दोस्तों, तो देखिएगा कंडीशन क्या होगा। ये देखिए, ये हम यहाँ से चालू कर रहे हैं दोस्तों। आपने देखा क्या कंडीशन हुआ, ये आपस में इस तरह से टकरा रहा है, ठीक है, इस तरह से टकरा रहा है। तो ये कोई फॉल्ट नहीं है दोस्तों, ये कोई आपका मशीन जो है वो ख़राब नहीं है। और इसमें क्या करते हैं, बहुत से लोग चूना लगाते हैं आपको और बोलते हैं सस्पेंशन इसका ख़राब हो गया है, स्प्रिंग ख़राब हो गया है, ठीक है, वो कभी ख़राब होने वाला चीज़ नहीं है। आपका मशीन जो है ज़िंदगी भर चलेगा, लेकिन वो जो चीज़ उन लोगों ने बताया वो चीज़ कभी ख़राब नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जब भी आप कपड़ा इसमें सुखाते हैं दोस्तों, तो उसका एक तरीका होता है सुखाने का, किस तरह से कपड़े को हम रखें ताकि हमारा जो ये ट्यूब है, स्पिनिंग ट्यूब है, वो इस तरह से मतलब बैलेंस इसका बनना चाहिए, ठीक है, बैलेंस बना के ही यहाँ पे कपड़े को हमें सुखाना है। अब जैसे देखिए, इस कपड़े को मैं सिर्फ यहाँ पे रखूँगा, देखिए यहाँ पे सेंटर में रखा मैं, देखिए सेंटर में है। अभी मैं इसे घुमाता हूँ, तब देखिएगा इसका कंडीशन क्या होगा। जैसे मैं यहाँ पे स्विच दिया दोस्तों, और ये देखिए, देखिए कितना स्मूथ चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, कहीं पे अटक नहीं रहा। अब इसे मैं रोकता हूँ, इसका ब्रेक जो था दोस्तों वो खराब हो गया, इसीलिए अभी मैं हाथ से इसे नहीं रोकना चाह रहा हूँ, ये खुद खुद ब खुद रुकेगा। अब देखिए ये देखिए कितना स्मूथली जो है ये चल रहा है अभी तक, और बंद होते समय थोड़ा सा ये वाइब्रेट करता है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। लेकिन कपड़ा जो मैंने यहाँ पे रखा, तो देखे आप किस तरह से मैंने रखा, और फर्स्ट टाइम जो रखा था कपड़ा वो हमने ऐसे रखा था, तो देखे कितना आवाज़ कर रहा था। तो यही एक तरीका है दोस्तों कि आप मूर्ख बनने से बचें, और जो तरीका है उसी तरीके से आप कपड़े को सुखाएं, नहीं तो आपका भी चूना लग सकता है, ठीक है। अब देखिए कपड़े को कैसे बैलेंस करेंगे, इतना अगर कपड़ा डालना है तो थोड़ा सा आपको, जैसे भींगा हुआ कपड़ा है तो थोड़ा सा बैलेंस करके चलना है, चारों तरफ बराबर होना चाहिए। अभी देखिए हमने इसे इस तरह से कर दिया है। और एक काम दोस्तों, ये वाला जो चीज़ होता है इसे आप लगाना ना भूलें, अगर ये कपड़ा जो है निकल कर अगर इधर चला गया तो समझ जाइए कि आपका जो नीचे में एक रबर रहता है दोस्तों, वो अगर ख़राब हो गया तो मोटर में पानी चला जाएगा और ये मोटर जो है वो जल सकता है। अभी देखिए हम चला कर दिखाते हैं आपको,
ये देखिए दोस्तों कितना स्मूथ चल रहा है अभी। तो मैकेनिक आपको क्या बताएगा दोस्तों, अगर आपका वाइब्रेट कर रहा है स्पिनर तो वो बोलेगा देखिए यहाँ पे एक सस्पेंशन लगा हुआ है दोस्तों, यहाँ पे चार सस्पेंशन है, एक इधर है, एक उधर है और एक उधर में लगा हुआ है दोस्तों। तो ये देखिए बोलेगा कि ये इसका स्प्रिंग खराब हो गया, ठीक है, लेकिन इसका स्प्रिंग कभी खराब नहीं होता दोस्तों, ये जिंदगी भर चलेगा। आपका मोटर जल जाएगा, आपका जो वॉशिंग मशीन है दोस्तों वो खराब हो जाएगा, लेकिन वो कभी खराब नहीं होगा दोस्तों।